इस वीडियो में हम व्यू टैब के विंडो ग्रुप के बारे में जानेंगे। तो विंडो ग्रुप में हमारे पास सबसे पहले न्यू विंडो कमांड है। तो न्यू विंडो कमांड को लेने से पहले हम ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है इसको सेव करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे इसको सेव कर दिया, जैसे एस नाम से इसको सेव कर दिया। तो ये विंडो एस नाम की यहाँ पे बन के आ जाएगी। ये विंडो लेने के बाद हम न्यू विंडो पे जाएंगे। न्यू विंडो पे जाने के बाद ये देखो यहाँ पे एस टू नाम की फाइल बन के आ जाएगी। एस टू नाम की फाइल, ये देखो हमारी ये एस वन नाम की फाइल आई है, इसके बाद ये एस टू नाम की फाइल आ गई। अगर हमें और विंडो चाहिए तो हम क्या करेंगे, व्यू टैब पे जाएंगे, न्यू विंडो पे जाएंगे। देखो यहाँ पे एक विंडो और बन के आ जाएगी, एस थ्री नाम की विंडो बन के आ जाएगी। अगर हमें एक और विंडो चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे, व्यू टैब पे जाएंगे, न्यू विंडो पे जाएंगे। ये देखो एस फोर नाम की फाइल यहाँ पे बन के आ जाएगी। तो इस प्रकार जितनी भी विंडो हमें चाहिए हम उतनी विंडो यहाँ पे ला सकते हैं। इसके बाद अगर हमें हमने यहाँ पे कुछ भी चेंज की, जैसे सपोज करो हमने ये हमारी फोर्थ विंडो है, यहाँ पे हमने कुछ चेंज किया, ये हमने इसको साइज़ यहाँ से हमने इसका साइज़ बढ़ाया है, जैसे ये साइज़ 16 किया। 16 करने के बाद इसको कलर में किया, ये कलर में आ गई। कलर में करने के बाद ये जो चेंजिंग हमने विंडो फोर पे की, एस फोर पे की, ये चेंजिंग सभी विंडो में हो जाएगी। जैसे ये देखो ये विंडो हमारी एस फोर है, ये विंडो हमारी एस थ्री है, इसमें भी ये चेंजिंग आ गई है। ये इसके बाद हमारी ये विंडो एस टू है, इसमें देखना चाहते हैं तो इसको स्क्रॉल करेंगे, ये देखो इसमें भी ये चेंजिंग आ जाएगी। इसके बाद हम देखना चाहते हैं कि पहली विंडो एस वन में ये चेंजिंग हुई कि नहीं, तो ये हमारी विंडो एस वन विंडो है, इसमें भी ये चेंजिंग हो गई। तो जो भी चेंजिंग हम एक विंडो में करेंगे वो चेंजिंग सभी विंडो में आ जाएगी। अगर हम इसको इन सभी विंडो को अरेंज करना चाहते हैं एक ही विंडो में, तो हम अरेंज आल पे यहाँ क्लिक करने के बाद ये जो है सभी विंडो अरेंज होके यहाँ पे आ जाएंगी। जैसे ये देखो हमारे पास ये विंडो आ गई हमारी फर्स्ट, ये विंडो आ गई हमारी सेकंड, ये विंडो आ गई हमारी थर्ड, ये विंडो आ गई हमारी फोर्थ। तो अरेंज ऑल पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये सारी विंडो एक ही विंडो में अरेंज होके यहाँ पे आ जाएगी। अगर कोई विंडो हम यहाँ पे बंद करना चाहते हैं तो हम यहाँ से विंडो को बंद भी कर सकते हैं। जैसे ये विंडो हमने यहाँ पे बंद कर दी तो विंडो ये यहाँ से बंद भी हो जाएगी। तो इसके बाद ये विंडो भी बंद की, इसके बाद ये भी बंद की, इसके बाद इसको बड़ा किया ये विंडो को, और ये जो है हमारी विंडो यहाँ पे अरेंज आर यहाँ पे क्लिक किया था तो जितनी भी विंडो हमने बनाई थी वो सभी एक ही विंडो में अरेंज हो जाएगी। तो अगर ये जितना भी हमने बनाया हुआ है इसको अगर हमने स्प्लिट करना है तो हम ये कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखो ये यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा। जैसे ये हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये दो भागों में बन जाएगा। जैसे ये यहाँ पे देखो ये सारा आ गया ये, और यहाँ भी ये सारा है ये। अगर हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो ये सारा ऊपर वाले इसमें भी चेंजिंग हो जाएगी। जैसे ये देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको चेंज किया, किसी और कलर में इसको चेंज किया, ये हमने और कलर यहाँ पे लिया, जैसे यहाँ पे ये कलर लिया तो ऊपर वाला भी इस कलर में, या इसको और इसको बोल्ड करते हैं, ये बोल्ड करने के बाद इसका साइज़ बढ़ाते हैं यहाँ से 16, ये साइज़ दिया और 16 साइज़ रहने के बाद ये देखो ऊपर वाला भी ये चेंज हो जाएगा। जैसे हमने नीचे चेंज किया वैसे ही ऊपर ये चेंज हो जाएगा।
अगर कुछ भी यहाँ पे हम लिखेंगे वो ऊपर भी लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखो, ये जो चेंजिंग हमने नीचे की वही चेंजिंग यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। ये तो अगर कुछ यहाँ पे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे मैं लिखूँगा ये बायस ज्ञान टेक, तो ये जो मैंने ये नीचे लिखा ये, तो ये जो चेंजिंग है ये ऊपर वाले इसमें भी अप्लाई हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे आ जाएगा। तो जो भी चेंजिंग हम एक विंडो में करेंगे वही चेंजिंग दूसरी में आ जाएगी। तो यहाँ पे हम एक विंडो को स्प्लिट कर सकते हैं। ये अगर ये विंडो जो हमने स्प्लिट की हुई है इसको रिमूव करना चाहते हैं, तो हम व्यू पे जाएंगे, रिमूव स्प्लिट यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये यहाँ से हट जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पे न्यू विंडो, एक नई विंडो यहाँ पे ले लेते हैं। ये न्यू विंडो लेने के बाद ये हमारे पास, ये देखो S2 नाम की नई विंडो आ जाएगी। ये दो इसके विंडो बाद हमने यहाँ पे ली, S1 और S2 नाम की यहाँ पे दो विंडो ली। लेने के बाद हम क्या करेंगे, इनको यहाँ पे व्यू साइड बाय साइड यहाँ पे हम ये क्लिक करेंगे। जैसे S2 यहाँ पे विंडो पे जाएंगे, व्यू साइड बाय साइड यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये देखो हमारे पास ये S1 नाम की विंडो और S2 नाम की विंडो यहाँ पे आ जाएगी। तो इसमें दोनों में हम ये कंपेयर कर सकते हैं। ये अगर ये जैसे दो हमारे पास ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, अगर हम एक को ऊपर नीचे करेंगे दूसरा भी ये ऊपर नीचे हो जाएगा। ये देखो जैसे ये मैं इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ये दूसरी विंडो का भी ऊपर नीचे स्क्रॉल बार हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये एक ही विंडो का स्क्रॉल बार मूव करे बाकी दूसरी का नहीं, तो मैंने क्या करना है, ये विंडो पे जाना है। ये देखो यहाँ पे विंडो पे क्लिक किया, सिक्रोनस स्क्रॉलिंग यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पे एक वर्टिकल स्क्रॉल बार को क्लिक करूँगा, दूसरा यहाँ पे दूसरी विंडो का स्क्रॉल बार नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ये, तो दूसरी विंडो का ये स्क्रॉल बार काम नहीं कर रहा है। इसके बाद विंडो की अगली कमांड है रीसेट विंडो पोजीशन। तो सपोज करो ये हमारी विंडो की पोजीशन है, इसको हम यहाँ से कम करते हैं। ये जैसे ये विंडो की पोजीशन हमने की, तो इसको क्या करना है, विंडो को हमने दोबारा से रीसेट करना है। ये तो हम क्या करेंगे, विंडो पे जाएंगे, जाने के बाद रीसेट विंडो पोजीशन यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखो विंडो की पोजीशन जो है ये है यहाँ पे अपने आप ही कवर कर लेगा ये। तो इस प्रकार हम विंडो की पोजीशन को रीसेट कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन स्विच विंडो ऑप्शन है। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। जैसे सपोज करो हमने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बनाया, ये हमारा डॉक्यूमेंट है। इसको हमने यहाँ पे होम पे जाके इसको बोल्ड किया। बोल्ड करने के बाद यहाँ पे इसका साइज बढ़ा देते हैं ये, और इसको टेक्स्ट इफेक्ट यहाँ पे देते हैं। सपोज करो ये हमने इफेक्ट यहाँ पे दे दिया, तो ये हमारी एक फाइल बन गई। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 1 नाम की फाइल यहाँ पे हमने बना दी। इसके बाद ये हमारी एक फाइल ओपन हो गई। इसके बाद यहाँ पे दूसरी फाइल बनाते हैं, या तो हम शॉर्टकट की के जरिए ये नया पेज ला सकते हैं, या यहाँ पे जाके फाइल पे जाके न्यू पे जाके ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यहाँ पे ये हमारा डॉक्यूमेंट 2 यहाँ पे आ गया है ये। इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट कमांड लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट कमांड लिखी, ये हमारी डॉक्यूमेंट कमांड आ गई, और हमने इसको सेलेक्ट किया सभी को, और ये हमने क्या किया यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट ये कर दिया। तो ये डॉक्यूमेंट 2, ये हमारी दूसरी फाइल बन गई। दूसरी फाइल बनने के बाद हम यहाँ पे एक और फाइल लेते हैं, फाइल पे जाके न्यू पे जाके ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ये हमारी तीसरी फाइल आ गई डॉक्यूमेंट 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक
और फाइल क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने एक और फाइल क्रिएट की, देखो यहाँ पे हमारी एक और फाइल बन के आ गई। तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट किया इसको, बोल्ड किया यहाँ पे, फिर फॉन्ट कलर इसका चेंज किया। जैसे यहाँ पे कोई भी फॉन्ट कलर हम लेते हैं, ये हमने फॉन्ट कलर इसका ले लिया। तो ये हमारी तीन फाइलें बन गई। इसके बाद एक और फाइल लेते हैं, फाइल पे जाके न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और ये हमारी डॉक्यूमेंट फोर नाम की फाइल यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंसर्ट कोई शेप लेते हैं, ये हमने यहाँ पे एक शेप इंसर्ट कर दी है। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट फोर नाम की फाइल ये बन के आ गई। ये बनने के बाद यहाँ पर हमारी चार फाइलें बन के आ गई। अब हम किसी भी फाइल को यहाँ पे डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, व्यू टैब पे जाएंगे। व्यू टैब पे जाने के बाद स्विच विंडो यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद ये देखो यहाँ पे क्लिक किया, ये हमारी फोर फाइल्स बन के आ गई। ये डॉक्यूमेंट फर्स्ट, ये एक पहली फाइल है, अगला है डॉक्यूमेंट सेकंड, इसके बाद है डॉक्यूमेंट थर्ड, उसके बाद है डॉक्यूमेंट फोर। ये हमारी चार फाइलें यहाँ पे बन के आ गई। जहाँ पे ये चेक लगा हुआ है, इट मीन्स ये डॉक्यूमेंट फोर नाम हमारी ये करंट फाइल है, ये जो ओपन है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ये डॉक्यूमेंट फर्स्ट नाम की फाइल ओपन हो जाए, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट फर्स्ट। ये देखो यहाँ पे जब हम डॉक्यूमेंट फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, हमारी पहली फाइल ओपन हो जाएगी। ये है, यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये जो है ये देखो ऊपर डॉक्यूमेंट फर्स्ट नाम की फाइल ओपन हो गई। ये हमने बनाई थी, ये हमारी फर्स्ट फाइल है। अगर हमने डॉक्यूमेंट सेकंड नाम की फाइल यहाँ पे ओपन करनी है, तो हम व्यू पे जाएंगे, स्विच विंडो पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट सेकंड यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये हमारी, ये देखो डॉक्यूमेंट सेकंड फाइल यहाँ पे ओपन हो गई है। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि तीसरी फाइल हमने ओपन करनी है, तो डॉक्यूमेंट थर्ड, ये हमारी तीसरी फाइल है। इसके बाद अगर हमने ये जो लास्ट बनाया था इसको ओपन करना है, तो व्यू टैब पे जाएंगे, स्विच विंडो पे जाएंगे और डॉक्यूमेंट फोर यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारी फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो स्विच ऑप्शन का यूज़ करके हम किसी भी फाइल को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आप एमएस वर्ल्ड के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।